लोग आए हैं। देखिए कुछ लोग कैमरा देख के डर जाते हैं। 30 सुकून, यहाँ का विजुअल तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा सुकून मिलता है। आप लोग भी अगर फैमिली, बेतिया के लोग तो बहुत तेजी बोलता है जी, आप बड़ी धीरे बोल रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, ऐसे लग रहा है यहाँ दिग्गा का बहुत अच्छा। चलिए और भी इधर कुछ लोग हैं। है कि पूरा स्टेट जो दुस्ता है उसे आगे निकल रहा है। जो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। रुकते हैं, जैसा कि हमारे कैमरा में आप देख सकते हो यहाँ ऊपर रोड है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रोशन, और आप देख रहे हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म रोशन बाबा ब्लॉग्स। दोस्तों स्वागत है फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में, और पटना का सबसे पीसफुल प्लेस में से एक, जो कि पटना के दिग्घा घाट में स्थित है। आज हम यहाँ आए हुए थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम है, और देख सकते हैं यहाँ का व्यू। थोड़ा दिखा दीजिए इधर, सारे लोग क्रिएटर लोग, कैसा लगा आपको यहाँ आकर? बहुत अच्छा फील। सबसे पहले तो अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम निखिल सिंह है। आप क्या करती हैं? हम मॉडलिंग करते हैं। देखिए किस नाम से, मतलब क्या आपका पेज है, किस तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं लोगों का, कैसा कंटेंट होता है? 12th अक्टूबर ऑन मी से मेरा आईडी है, इंस्टा आईडी है, और हम भोजपुरी और हिंदी दोनों रील्स बनाते हैं। तो यहाँ का विजुअल देख के आपको कैसा लगा? यहाँ का विजुअल तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। काफी दिनों के बाद पटना में मॉनसून आया है, इस वजह से काफी ज्यादा यहाँ लोग आ रहे हैं। और जैसे दिखा सकते हैं, मैं उधर का विजुअल थोड़ा दिखा देंगे। काफी ज्यादा आप आते हो पटना या बिहार से, किसी भी कोने से आते हो तो यहाँ आ पाए, ये लगभग आप नेचर से कनेक्ट हो गए जब भी आप आते हैं। यहाँ देखिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे थोड़ा जानते हैं कि कहाँ से आए हैं आप लोग। 15 मिनट हुआ। अच्छा, कैसा लगा यहाँ का विजुअल देखकर? काफी अच्छा लगा। अच्छा, कहाँ से? पटना से? पटना पटना का प्रॉपर पटना से। यहाँ दिग्घा का सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा? पीस, सुकून। सुकून उसी ज्यादा अच्छा क्या भी लग सकता है। इधर भाई जी, कहाँ से हैं आप सर? पटना से। पटना में कहाँ? बाजार समिति। जैसा कि आए दिन लोग बाहर बाहर मेट्रो सिटी में जाते हैं पटना के होके भी, मगर कि पटना के लोग को भी एक के व्यू, रियल व्यू, बहुत सारे लोग यहाँ नहीं आए, तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? अपने शहर में आइए, अपने शहर को देखिए पहले पूरी तरह, फिर बाहर की तरह देखिए। तो यहाँ बिहार में भी ऐसा नहीं है, पटना में ही, बिहार में भी बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे हम लोग खुद ही नहीं घूम पाए, उस चीज़ को नहीं देखते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर जाके उस चीज़ को देख के हम लोग कहते हैं कि इसे बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात देखिए, जैसा कि इन्होंने कहा कि आप जिस सिटी में रहते हो, जिस राज्य में रहते हो, वहाँ पहले आप एक्सप्लोर करो, क्योंकि यहाँ पटना में काफ़ी दिन से, मैं भी बोल रहा हूँ जब से मैं ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया, लगभग मैं तो बचपन प्रॉपर पटना से हूँ, मगर कि आप जब घूमने निकलते हो, देखते हो, तो काफ़ी चीज़ों आपको देखने को मिलती। तो आप यहाँ मतलब हमेशा आते हो या आज मौसम देख के? नहीं, आना जाना हमेशा लगा रहता है। एक्चुअली ये है ना कि यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब सुकून मिलता है, और काफ़ी लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, और मौसम के कारण, हालांकि आज से देखिए कैमरा देख के भाग जाते हैं। कहाँ से आए हैं बाबू आप लोग? राजीव नगर से। यहाँ आते हैं तो कैसा लगता है? बहुत सही लगता है। आप कहाँ से आए? घर भाई। मतलब यहाँ घूमने आते हैं तो कैसा लगता है यहाँ का विजुअल, और मतलब व्यू देख के कैसा लगता है? बहुत मस्त। चलिए इधर और कुछ लोग हैं, बच्चे लोग हैं, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ एक डेस्टिनेशन वाला प्लेस है, बच्चे लोग जैसा कि देख सकते हैं। और चलिए जानते हैं इनसे, कहाँ से आए हैं बाबू आप? पटना से। पटना से, कैसा लग रहा है यहाँ घूमकर? अच्छा। देखिए एक सर जी, कैसा है सर यहाँ? मैं गया से आया हूँ। गया से, मतलब पटना का आपका सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा घूमकर? पुल देखने में अच्छा, गंगा नज़ारा अच्छा लग रहा है, और ये पुल पहली बार देखने के लिए मैं आया हूँ। जो नीचे से रेल चलती है, ऊपर से बस चलती है, और नीचे में नाव भी चलती है, तीन गाड़ियाँ चलती है। सर का जैसा कि कहने का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा पटना चेंज हो चुका है, और काफ़ी दिनों। चलिए यहाँ और भी कुछ लोग हैं, थोड़ा सा कैमरा देख के कुछ लोग डर जाते हैं, और चलिए बच्चे लोग से बात करते हैं। बाबू बाबू क्या नाम है, क्या नाम है, नाम क्या है, नाम कहाँ से आए हैं आप लोग घूमने? से। कैसा लगा यहाँ, मतलब दिग्घा का ये घाट घूमकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम आए हैं या पहले भी? नहीं, पहले आए, पहली बार आए हैं। आते हो तो मतलब यहाँ का सुंदरता देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा सुकून मिलता है। आप लोग भी अगर फैमिली के साथ अगर आना चाहते हैं तो आइए। चलिए यहाँ और भी कुछ लोग हैं, उनसे थोड़ा बात करते हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं? देखिए कुछ लोग कैमरा देख के डर जाते हैं, बट चलिए जानते हैं।
चलिए दोस्तों, फाइनली जैसे जैसे यहाँ शाम हो रही है और यहाँ का सुंदरता और ब्यूटी और बढ़ते जा रहा है और एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जैसे कि देखिए कहाँ से यहाँ है आप लोग? बेतिया जिला घूमने आए हैं जी। यहाँ कैसा लग रहा है घूमने? बहुत अच्छा लग रहा है। खाना लग रहा है कि बहुत दूर से आए हैं? नहीं नहीं, आप कहाँ से आए हैं? हम भी बेतिया से, पश्चिमी चंपारण। कैसा लग रहा है पटना का दीघा घाट घूम कर? बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेतिया के लोग तो बहुत तेजी बोलता है जी, आप बड़ी धीरे बोल रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे बोलते हैं। कहाँ से आए हैं? बेतिया जिला से। कैसा लग रहा है यहाँ दीघा घाट? बहुत अच्छा। चलिए और भी इधर कुछ लोग हैं, कहाँ से आए आप लोग? चलिए देखिए, कुछ लोग कैमरा देख के डर जाते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि अभी फाइनली देख सकते हैं, कहाँ से आप आए हैं? हम मेरे घर यहीं पर। कैसा लग रहा है यहाँ दीघा? आज का मौसम काफी अलग है, मानसून का फर्स्ट डे। गर्मी से राहत मिल तो रहा हम लोग को। और दीघा घाट को किस तरीका से देखते हैं ट्रैवल प्लेस के? देखिए अभी दीघा को बहुत आगे छूना है, दीघा को नहीं पूरा बिहार को आगे छूना है। ऐसा छूना है कि पूरा स्टेट जो दुसता है उससे आगे निकलना है। जो लोग बोलता है कि बिहार में कुछ नहीं, उन लोगों के लिए आप क्या कहना? बिहार पे रोड पे पैसा फेंका हुआ है, लेकिन आदमी का सोच कमजोर है कि, और अगर आप यहाँ आते हो तो काफी ज्यादा आप एक अपने फैमिली के साथ एक चिल आउट कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ। देखिए दोस्तों, इस घाट का सबसे जो बेस्ट पार्ट है, लोग काफी देर वेट करके देखने के लिए रुकते हैं। जैसा कि हमारे कैमरा में आप देख सकते हो, यहाँ ऊपर रोड है और नीचे ट्रेन आपको जाते हुए दिख रही होगी। यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट है, आप अगर इवनिंग के समय में आप आते हो तो ये विजुअल सिर्फ और सिर्फ बिहार के पटना में आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये हमारा प्रयास, आपको कैसा लगा, हमारे वीडियो को आप कैसे देखते हैं अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को निशान को प्रेस करें।